शहर और गांव के बिल्ली की कहानी। एक बार की बात है, दो बिल्ली बहुत अच्छी दोस्त थी। एक बिल्ली शहर में रहती थी और दूसरी बिल्ली गांव में। लेकिन दोनों एक दूसरे की खबर वहां के आने जाने वाली बिल्लियों से लेती रहती थी। एक दिन शहर की बिल्ली को अपने दोस्त से मिलने का मन हुआ, तो उसने अपने गांव के आने की बात अपने दोस्त के जरिए गांव वाली बिल्ली तक पहुंचा दी। गांव की बिल्ली अपने दोस्त के आने की खबर सुनकर काफ़ी खुश हुई। वह अपने दोस्त का स्वागत करने की तैयारियां करने लगी। फिर वो दिन आया जब शहर की बिल्ली गांव अपने दोस्त से मिलने पहुंची। गांव के बिल्ली ने अपने दोस्त का स्वागत बहुत खुशी से किया। दोनों ने खूब सारी बातें की। बातों बातों में गांव की बिल्ली ने कहा, शहर में तो बहुत प्रदूषण होता है ना, लेकिन यहाँ गांव का वातावरण काफ़ी शुद्ध है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के बाद दोनों बिल्ली को भूख लगी। गांव की बिल्ली ने अपने दोस्त को बड़े प्यार से खाने में कुछ फल, रोटी और दाल चावल परोसे। दोनों ने साथ बैठकर खूब मजे से खाने का आनंद लिया। खाने के बाद दोनों गांव की सैर पर निकल पड़े। उन दोनों ने गांव के खूबसूरत नज़ारे का आनंद लिया। गांव की हरियाली देखते वक्त गांव की बिल्ली ने शहर की बिल्ली से पूछा, क्या शहर में भी ऐसे ही हरे भरे नज़ारे हैं? शहर की बिल्ली ने इस बात का कोई मतलब नहीं दिया, लेकिन अपने दोस्त को शहर आने का निमंत्रण जरूर दिया। पूरे दिन की सैर के बाद दोनों दोस्त रात को खाना खाने बैठे। गांव की बिल्ली ने फिर से अपने दोस्त को फल और अनाज खाने को दिए। दोनों ने खाना खाया और सोने चले गए। अगली सुबह गांव की बिल्ली ने अपने दोस्त को नाश्ते में फिर से वही फल और अनाज परोसे। ये देखकर शहर की बिल्ली चिढ़ गई। उसने चिढ़ते हुए गांव की बिल्ली को कहा, तुम्हारे यहाँ क्या हर रोज हर वक्त एक ही खाना खाया जाता है? क्या इन सब के अलावा कुछ और खाना नहीं है? शहर की बिल्ली ने अपने दोस्त को कहा, चलो इसी वक्त शहर चलते हैं, वहाँ देखना कितनी आराम की जिंदगी है और कितने प्रकार की चीजें खाने के लिए हैं। गांव की बिल्ली अपने दोस्त के साथ चलने को तैयार हो गई। दोनों बिल्ली ही शहर की तरफ निकल पड़ी। शहर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। शहर की बिल्ली एक बड़े से घर में रहती थी। उतना बड़ा घर देखकर गांव की बिल्ली आश्चर्यचकित रह गई। फिर उसने देखा टेबल पर कई तरह के खाद्य पदार्थ रखे थे। दोनों बिल्ली खाने के लिए बैठ गई। गांव की बिल्ली ने पनीर का टुकड़ा चखा। उसे पनीर काफ़ी पसंद आया और उसने तुरंत उसे छट कर दिया। अभी दोनों खाना खा ही रहे थे कि उन दोनों को कुत्ते की आवाज़ सुनाई दी। शहर की बिल्लियों ने गांव की बिल्ली को तुरंत घर के कमरे में छुपाने को कहा। उसने बोला, दोस्त जल्दी से कमरे में छुपो, नहीं तो कुत्ते हमारा शिकार कर लेंगे। वो दोनों दौड़ कर कमरे में छुप गए। गांव की बिल्ली काफ़ी डर गई थी। थोड़ी देर में कुत्ते वहां से चले गए और दोनों बाहर आ गईं। शहर की बिल्ली ने गांव की बिल्ली को हिम्मत देते हुए कहा, अब कोई डर नहीं मित्र, वो कुत्ते जा चुके हैं, ये सब तो जीवन का हिस्सा है, सामान्य बात है। इसके बाद दोनों ने फिर से भोजन करना शुरू किया। अभी गांव की बिल्ली ने ब्रेड खाना ही शुरू किया था कि दरवाजे पर आवाज़ हुई और एक लड़का एक बड़े से सियार के साथ अंदर आने लगा। गांव की बिल्ली का डर और बढ़ गया और उसने इसके बारे में शहर की बिल्ली से पूछा। शहर की बिल्ली ने गांव की
बिल्ली को पहले कमरे में छुपने को कहा, फिर कमरे में छुपे रहते हुए गांव की बिल्ली को बताया कि वो सियार घर के मालिक का है जो हमेशा यहाँ रहता है। सियार के जाने के बाद दोनों बिल्ली कमरे से बाहर आए। इस बार गांव की बिल्ली पहले से भी ज़्यादा डरी हुई थी। शहर की बिल्ली गांव की बिल्ली से कुछ कहती उससे पहले ही गांव की बिल्ली ने जाने के लिए इजाज़त मांग ली। गांव की बिल्ली ने अपने दोस्त को कहा, तुम्हारे इस स्वादिष्ट खाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ हर रोज़ अपनी जान को जोखिम में डालकर नहीं रह सकती। दोस्त, स्वादिष्ट भोजन अपनी जगह और कीमती जान अपनी जगह। ये कहते हुए गांव की बिल्ली शहर छोड़कर गांव की तरफ निकल गई। फिर जब वो गांव पहुंची तो उसने चैन की सांस ली। कहानी से सीख, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि खतरों से भरी आराम की ज़िंदगी में कभी सुख चैन नहीं मिलता है। साधारण लेकिन सुरक्षित जीवन ही सुखी जीवन है।